गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू द स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस। टुडे वी आर गोइंग टू टेक अवर न्यू चैप्टर फ्रॉम मैथ्स वर्क बुक, चैप्टर नंबर 5, शेप्स एंड डिजाइंस। ओके, एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमने टेक्स्ट बुक में से देख लिया था, आज हम वर्क बुक सॉल्व करेंगे। ओके, सो ड्रॉ द पिक्चर फ्रॉम द शेप्स एंड कलर दैम एज पर इंस्ट्रक्शन। अब आपको क्या करना है, इन्हीं के ये जो डिजाइन दी गई है इनका यूज करके ही आपको पिक्चर्स बनानी है और यहाँ पे सॉल्व करना है, कलर करना है। ट्राइंगल में रेड कलर, सो ट्राइंगल क्या है, ये रेड, ये भी रेड, ये भी रेड एंड ये भी रेड। एंड स्क्वायर में आपको ग्रीन कलर करना है, तो स्क्वायर कहाँ दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो इसमें ग्रीन कलर। सर्कल में आपको येलो कलर करना है, सर्कल में आपको येलो कलर करना है। एंड रेक्टेंगल में आपको ब्लू कलर करना है, रेक्टेंगल में आपको ब्लू करना है। ओके, सो आगे के पिक्चर्स पे आप ड्रॉ करोगे। ओके, मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। नाउ नेक्स्ट, काउंट एंड कलर एज पर इंस्ट्रक्शन। ओके, अब यहाँ पे देखिए ग्रीन कितने, ट्राइंगल कितने हैं वो आपको सबसे पहले काउंट करना है और उसमें ग्रीन कलर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम काउंट करेंगे, ग्रीन 1, और ट्राइंगल कहाँ है, ग्रीन 2, ग्रीन 3, एंड अनदर ट्राइंगल कहाँ है, हियर ग्रीन 4, ग्रीन 5, ग्रीन 6, ग्रीन 7, यानी कि टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं, 7 है फर्स्ट पिक्चर में, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रीन में 7 रेड। स्क्वायर में आपको क्या करना है, रेड कलर करना है, और कितने स्क्वायर्स है वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, 1, 2, 3, 4, बस 4 ही स्क्वायर है यहाँ पे। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। येलो, सर्कल पे आपको येलो कलर करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15, यानी कि टोटल सर्कल्स कितने हैं, 15 सर्कल्स में आपको येलो कलर करना है। नाउ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में आपको ब्लू कलर करना है, 1, 2, 3, 4 and 5, तो आपको यहाँ पे लिखना है 5। ओके, इसी तरीके से आपको यहाँ पे इन तीनों में सर्कल करना, कलर करने हैं एज इट इज़ जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, और इन तीनों का ही एक साथ काउंट करके आपको यहाँ पे नंबरिंग लिखना है। ओके, ये है आपका होमवर्क। नेक्स्ट, काउंट द कॉर्नर्स एंड मैच विद द नंबर। अब आपको सबको कॉर्नर्स काउंट करने हैं और मैच करने हैं। ओके, 1, 2, 3, 4, तो सबसे पहले हम सबके लिख देते हैं। ओके, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, इसके कितने कॉर्नर है, एक भी नहीं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, इसके कितने हैं, 1। देखो यहाँ पे मैंने कर लिए हैं कॉर्नर्स, इसके कितने हैं, इसे मैंने फिर से किए हैं, 1, सबसे पहले मेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, इसका 1। अब हमें मैच कर देते हैं, ठीक है, 0 को 0 0 कॉर्नर वाले के साथ मैच करेंगे, 1 को 1 वाले के साथ मैच करेंगे। सो ये आपका मैचिंग, आपका होमवर्क है। ओके, पुट टिक ऑन द शेप्स विथ कर्व्स इन द फॉलोइंग पिक्चर फिगर्स गिवन बिलो। जहाँ पे कर्व आ रहा है वहाँ पे आपको क्या करना है, सर्कल करना है या फिर टिक लगाना है।
ओके तो इसमें कर्व है, यस है, इसमें है, यस, इसमें है, नो, इसमें यस, इसमें यस, इसमें यस, ये जो है वो कर्व ही है, ओके, इसमें नो, ओके। नाउ नेक्स्ट, मैच द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ इट्स नेम, ओके। ये कौन सा शेप दे रहा है, ये देखो कुछ इस तरीके से है, ये क्या है, रेक्टेंगल, ओके। तो इसको हम मैच करेंगे रेक्टेंगल के साथ में। ये कौन सा शेप है, कोन, ओके। तो इसको हम कोन के साथ मैच करेंगे। ये कौन सा शेप है, डाइस का, कुछ इस तरीके से होता है डाइस, क्या है, स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर के साथ मैच करेंगे, ओके। ये कौन सा शेप है, देखो सेल का कुछ ऐसा शेप होता है, ओके। तो ये कौन सा शेप है, सिलेंडर, तो हम सिलेंडर में मैच करेंगे। सन का कैसा सर्कल शेप होता है, राउंड होता है, यानी कि सर्कल, तो हम सर्कल पे मैच करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट, ट्राइंगल, ये कुछ इस तरीके से बता रहा है, तो ये ट्राइंगल, तो ट्राइंगल पे मैच करेंगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट, मैच द ऑब्जेक्ट विथ इट्स शेप्स एंड कलर। सबसे पहले इनको आपको शेप के साथ मैच करना है और फिर उनको कलर के साथ मैच करना है। जैसे ये कैसा सर्कल है, शेप कैसा है, राउंड, तो राउंड के साथ मैच किया, राउंड में कैसा कलर है, रेड, तो रेड को रेड के साथ मैच किया। ये क्या है, रोटियां दी गई है, रोटियां का शेप कुछ इस तरीके से दिया गया है, इट मीन्स दिस, इसको इसके साथ, अब इसका कलर क्या है, येल्लो, तो येल्लो को येल्लो के साथ। बस का कौन सा शेप दिया गया है, कुछ इस तरीके के साथ, तो इसको इसके साथ मैच करेंगे, इसको फिर ब्लू के साथ मैच करेंगे। ट्राइंगल, ट्राइंगल को ट्राइंगल के साथ मैच, ग्रीन को ग्रीन के साथ मैच, डाइस को स्क्वायर के साथ मैच, एंड ब्लैक को ब्लैक के साथ मैच। डन, यस। राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फाइव पीस तंग्राम एंड मेक द शेप फिगर्स एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन तंग्राम, कितने ट्राइंगल दिए गए हैं यहाँ पे इस टंगराम में। फाइव का पीसेस का यूज करके टंगराम बनाया, हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, फाइव सेवन एट का, तो ये फाइव को टंगराम बोलते हैं। तो इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, वन टू थ्री, कितने हैं, थ्री, ओके। विच नंबर शोज ट्राइंगल, कौन कौन से नंबर ट्राइंगल शो कर रहे हैं, वन टू एंड फाइव नंबर, वन टू एंड फाइव नंबर। शेप्स विथ विच टू नंबर्स आर सिमिलर इन द टंगराम, कौन से टू शेप्स जो है वो सेम साइज सेम शेप शो कर रहे हैं, तो टू एंड फाइव, ओके। दोनों नंबरों का शेप जो है वो बिल्कुल सेम है, ना छोटा ना बड़ा, टू एंड फाइव का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू फाइव। विच नंबर शोज स्क्वायर इन दिस टंगराम, स्क्वायर कौन से नंबर में है, थ्री नंबर में। नंबर ऑफ विच टू शेप्स आर जॉइंट टू फॉर्म अ स्क्वायर, यानी कि कौन से दो नंबर जोड़ने पे हमारा स्क्वायर मिलेगा। तो देखिए, ये टू को हमने ऐसे जॉइन कर देंगे एंड फाइव को ये वाले से जॉइन कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, इट मीन्स टू एंड फाइव, ओके। मेक डिफरेंट शेप्स एज शोन बिलो फ्रॉम टू स्मॉलर ट्राइंगुलर पीसेस ऑफ टंगराम, ओके। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो, मेक डिफरेंट शेप एज शोन बिलो फ्रॉम टू स्मॉलर ट्राइंगल पीसेस ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है, ये पिक्चर ट्राइंगल की दी गई है, इसमें आपको टू ट्राइंगल्स और ड्रॉ करने हैं, तो टू ट्राइंगल्स, वन एंड टू, ये टू हो गया, इसमें भी टू ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं, तो ये आपका होमवर्क। इसमें भी आपको टू ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो ये आपको होमवर्क है, ओके। नाउ नेक्स्ट, मेक शेप्स एज शोन बिलो फ्रॉम फाइव डिफरेंट पीसेस ऑफ तंगराम क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या करना है, टू ट्राइंगल्स की हेल्प से, यानी कि इन तीनों ही पिक्चर में ट्राइंगल बनाने हैं टू, और उसकी हेल्प से आपको डिफरेंट शेप्स बनाने हैं, ठीक है।
ये जो पिक्चर है वो टू ट्राइंगल से बने हुए हैं, यानी कि इसको हम ऐसे डिवाइड कर दिए तो टू वन ट्राइंगल टू, इसमें भी हम ऐसे डिवाइड कर दें वन ट्राइंगल टू ट्राइंगल, इसमें भी वन एंड टू, ठीक है। तो इसमें आपको अलग शेप्स ड्रॉ करना है, ये तो ये वन ट्राइंगल एंड ये सेकेंड ट्राइंगल, ये आपका रहेगा होमवर्क, ये भी आपका रहेगा होमवर्क, ओके। मेक शेप एज शोन बिलो फ्रॉम फाइव डिफरेंट पीसेस ऑफ टंगराम एंड स्टिक दैम। आपको यहाँ पे क्या दिए गए हैं, फाइव पीस ऑफ टंगराम का यूज करना है और फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो मैंने पहले ले लिया ये ट्राइंगल, वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर पार्ट एंड फाइव। तो देखिए ये ट्राइंगल वन, ये स्क्वायर टू, ये ट्राइंगल थ्री, ये रेक्टेंगल फोर एंड ये ट्राइंगल फाइव, ओके। अब ये फाइव का यूज करके आपको एक अलग पिक्चर बनानी है यहाँ पे, दिस वन इज ऑल्सो इन योर होमवर्क, ओके। ये भी आपको फाइव फाइव में डिवाइड करके आपको अलग पिक्चर बनानी है, ठीक है। वन टू थ्री फोर एंड फाइव, वन टू थ्री फोर एंड फाइव मैं आपको डिवाइड करके दे सकती हूँ, आपको उन शेप का यूज़ करके दूसरा होम बनाना है, ठीक है, वो आपका होमवर्क रहेगा, ओके। इसको कैसे डिवाइड किया है, वन टू टू, फिर इसको ये ट्राइंगल है थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ओके। दूसरा शेप आपको उससे बनाना है। नाउ नेक्स्ट, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, आपको शेप ये ही यूज करने हैं, ओके। होमवर्क, मेक एंड स्टिक द शेप्स एज गिवन बिलो एंड फ्रॉम द सेवन पीस टंगराम। आपको क्या करना है, सेवन टंगराम, सेवन पीस टंगराम दिया गया है, आपको यहाँ पे दूसरा पिक्चर बनाना है। यहाँ पे आपको सेवन पीस टंगराम बनाना है, जैसे ये सेवन में डिवाइड किया हुआ है, तो ये सारे ही पिक्चर आपको सेवन में कट करके उनका यूज करके आपको दूसरा पिक्चर ड्रॉ करना है। तो इसको मैंने कट किया है सेवन में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ओके। सेम एज इट इज दिस ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल, रेक्टेंगल, अनदर रेक्टेंगल, ट्राइंगल ट्राइंगल रेक्टेंगल, ओके। नाउ द नेक्स्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ओके। ऐसे ही आपको ये वाला पिक्चर है, इसको भी कट करना है सेवन पार्ट में, ओके। दिस वन इज इन योर होमवर्क, ये आपको सेम एज इट इज ड्रॉ करना है, सेवन टंगराम का यूज करके आपको फिगर बनानी है, पूरा पेज आपका होमवर्क में है, ओके। नाउ द नेक्स्ट पेज, कंप्लीट द पैटर्न। आपको पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट करनी है, क्या दिया गया है, देखो ट्राइंगल जो है उसको, उसमें आपको कलर करना है, तो ट्राइंगल सबसे पहले बनाना है, तो ये आपने ट्राइंगल बनाया, टू रेक्टेंगल्स का यूज करके आपने टू टू स्लैंडिंग स्लैंड करके ट्राइंगल बना दिया, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे भी ग्रीन कलर करना है, सेम एज इट इज़ आपको नीचे वाली लाइन में करना है, नीचे वाली लाइन में भी आपको इस तरीके से ट्राइंगल बनाना है और सब में ग्रीन कलर करना है, ओके। जहाँ पे मैंने जी लिखा है वहाँ पे ही आपको ग्रीन कलर करना है, ओके। नाउ द नेक्स्ट, ये पैटर्न फॉलो करना है आपको, ओके। ये किया है यहाँ पे, ये कितने आते हैं देखो, कुछ लाइंस आप में यहाँ पे मिसिंग दी गई है, वो आपको खुद से मेजरमेंट करना है, फिर आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है इस पैटर्न का, ओके। तो क्या दिया गया है, एक ऑक्टागोन को छोड़ के, हेक्सागोन को छोड़ के आपको कलर करना है, ओके। ये हेक्सागोन छोड़ दिया, अभी आपको इसमें ग्रे कलर करना है, इसमें ग्रे कलर करना है, फिर इसको छोड़ दिया, इसमें ग्रे, इसमें ग्रे, फिर इसको छोड़ दिया, ग्रे ग्रे, ओके। नाउ द नेक्स्ट, अब देखिए ये हेक्सागोन है, इसको लीव करके
एक कलर करना है और फिर यहाँ पे नीचे कर सकते हो, ठीक है। ये हेक्सागन छोड़ दिया यहाँ पे ग्रीन, ये हेक्सागन छोड़ दिया यहाँ पे ग्रीन, ये हेक्सागन छोड़ के यहाँ पे ग्रीन एंड ये हेक्सागन छोड़ के यहाँ पे ग्रीन, ओके। अनदर मैं आपको देखिए, अनदर में आपको पहले वाले की तरह करना है, ठीक है। यहाँ पे ग्रे, यहाँ पे ग्रे, ये हेक्सागन छोड़ दिया, फिर यहाँ पे ग्रे, ये हेक्सागन छोड़ दिया, यहाँ पे ग्रे फिर छोड़ दिया, नेक्स्ट ये हेक्सागन छोड़ दिया, यहाँ पे ग्रे फिर ये छोड़ना है, ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट फिगर, वन छोड़ के वायलेट कलर करना है, यानी कि यहाँ पे वायलेट, यहाँ पे भी वायलेट, यहाँ पे वायलेट एंड यहाँ पे वायलेट कलर करना है, ठीक है। नीचे वाले में आपको यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे ग्रीन, ऑरेंज ये आपको कंप्लीट करना है टेबल, ठीक है, कुछ आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, ओके। यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ऑरेंज, ओके। सो ऑरेंज ऑरेंज, ग्रीन ग्रीन, ग्रीन ग्रीन, ऑरेंज, ओके। सारे चैप्टर में आपको कलर ही करना है, ओके। मेक द पैटर्न बाय फिलिंग इन थ्री कलर्स। अब यहाँ पे आपको थ्री कलर्स का यूज करना है, ऑरेंज रेड ब्लैक। सो ऑरेंज रेड ब्लैक, ऑरेंज रेड ब्लैक, ऑरेंज रेड ब्लैक, ऑरेंज रेड ब्लैक, ठीक है। यहाँ पे ऑरेंज 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 ऑरेंज, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक दिया गया है, यहाँ पे रेड दिया गया है, ठीक है। ये आपको बड़े ध्यान से करना है, सेम पिक्चर ड्रॉ करना है, सॉरी सेम कलर करना है यहाँ पे आपको, ओके। नाउ नेक्स्ट में देखिए, इसमें क्या दिया गया है, ऑरेंज, तो इसमें ऑरेंज कलर करना है। नेक्स्ट वाले में यहाँ पे रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक, ऐसे ही आपको ये कंप्लीट करना है। इसमें आपको टू कलर्स का यूज़ करना है, जिसमें मैं टिक कर रही हूँ उसमें आपको रेड कलर करना है, बाकी सब में पिंक कलर करना है, ठीक है। फिर ये छोड़ दिया, दिस वन में आपको पिंक कलर करना है, ये लीव करने के बाद में आपको यहाँ पे ग्रीन कलर करना है, सॉरी पिंक कलर करना है, ठीक है। फिर ये तीन बॉक्सेस में आपको फोर में पिंक कलर करना है, ठीक है। नाउ द लास्ट, इन फाइव में आपको पिंक कलर करना है, इस फाइव में आपको पिंक कलर करना है, बाकी सब में आपको ग्रीन कलर करना है। ये मैं फिलअप कर देती हूँ, ओके। बाकी जो बचे उसमें आपको ग्रीन कलर करना है, आपको अच्छे से करना है, ओके। यहाँ पे मैंने आपको जस्ट एज अ बताया है कि यहाँ पे पिंक कलर आएगा, ओके। नाउ मेक पैटर्न यूज बाय फिलिंग इन फोर कलर्स। अब यहाँ पे आपको इस पिक्चर में फोर कलर का यूज़ करना है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे आपको ड्रॉ भी करना है, तो दिस वन इज इन योर होमवर्क। ड्रॉ द टाइल फ्रॉम द गिवन पैटर्न। यहाँ पे आपको एक टाइल ड्रॉ करनी है, ठीक है। जैसे इसका ये वन पार्ट हो गया, तो ये आपने वन पार्ट ड्रॉ कर दिया। अब इसका वन पार्ट क्या होता है, ये वन पार्ट होता है इसका, ठीक है। तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, इसे ये डाउन एंड ये अप, ठीक है, ये बाहर ये अंदर, फिर ये अप अगेन ये डाउन, ओके। ये फोर टाइल्स आपको इस तरीके से ड्रॉ करनी है। नाउ नेक्स्ट, इसका फर्स्ट आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो इसका फर्स्ट क्या होगा, सिर्फ ये पार्ट भी आप ले सकते हो, या फिर ये पूरा पूरा स्क्वायर ले सकते हो, लेकिन अगर आप ये वन पार्ट ड्रॉ करोगे तो आपका सब ये आपका वन पार्ट रहेगा, ठीक है। सेकेंड टाइल्स में ये आपका वन पार्ट रहेगा, ये वन पार्ट है, मैं यहाँ पे टिक बॉक्स बना दे रही हूँ, ये आपका वन पार्ट रहेगा, ये का ये ही आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपका क्या पार्ट वन रहेगा, दिस वन, मैंने बॉक्स बना दिया है, ड्रॉ आपको खुद से करना है, ओके। अ नोटबुक हैज ब्लैंक कॉर्नर। नोटबुक में कितने कॉर्नर होते हैं, फोर। अपोजिट साइड्स ऑफ ब्लैंक आर इक्वल। ट्राइंगल की अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती है। बॉल के कितने एजेस होते हैं, जीरो, ठीक है। ब्लैंक हैज फोर साइड, किसकी फोर साइड्स होती है, स्क्वायर की, ठीक है।
विच वन इज ऑड इन द पैटर्न, इसमें से पैटर्न में से ऑड क्या है, स्क्वायर सर्कल, स्क्वायर सर्कल एंड अगेन स्क्वायर एंड स्टार। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी फोर शेप का लेकिन सब में कॉर्नर्स एंड एजिस है, सब में, सिर्फ सर्कल के अलावा। ठीक है, तो क्या ऑड है, सर्कल बी। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी एजिस डज अ क्यूब हैव। सबसे पहले क्यूब बनाएंगे, ये बन गया आपका क्यूब। ठीक है, इसमें कितनी एजिस है, एजिस है मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितनी है 12। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ कर्व्ड एज, कर्व्ड इट मीन्स राउंड, यानी कि सी। ओके, सर्कल। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। ओके, आपको भी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कंप्लीट करना है। थैंक यू।